खबर पिथौरागढ़ से है, जहां महिलाओं से छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने महिला शक्ति दस्ते का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने हरी झंडी दिखाकर महिला यूनिट को नगर के विभिन्न क्षेत्रों की ओर रवाना किया। पिथौरागढ़ के उत्वाली क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए 5 टीम का गठन किया गया है, जिनमें 25 पुलिसकर्मी शामिल होंगे। ये टीम नगर के गली में पैदल गश्त करेगी। इस दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले और नशे में लिप्त युवाओं के खिलाफ तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। आज हमने पिथौरागढ़ पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के लिए स्पेशल टीम वुमेन पार का गठन किया है, जिसमें अभी 25 लोगों को 5 टीमें बनाई गई हैं इसमें, और इसमें महिलाएं भी हैं। और ये जितने भी हमारे गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस हो गए, ट्यूशन हो गए, कोचिंग हो गए, बॉयज स्कूल्स भी हो गए, काफ़ी समय से छेड़ा खाने की छीटाकसी की शिकायतें आ रही थी, उनको एड्रेस करने के लिए प्राइमरली ये टीम गठित करी गई है। जितने भी गली कूचे हैं जहाँ से बच्चे निकलते हैं और उन पर कोई कमेंटबाजी करता है, उनको एड्रेस करेगा, किसी भी घटनाओं को एड्रेस करेगा। साथ ही साथ हमारे पूल सेंटर्स हो गए या कोई ऐसी गली कूचे हो गए जहाँ पे बच्चे नशा भी कर रहे हैं या वहाँ पे थोड़ा गलत गतिविधियों में लगे हुए हैं,